दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के बाद अब बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की बूंदों से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इसी बीच मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR के कई इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बौछारें पड़ेंगी। दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सर्द हवाओं के बीच होने वाली इस बारिश से ठंड और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और वल्लभगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 22 जनवरी को अधिकतम तापमान 16 जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में बारिश थमने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और पारा लुढ़क कर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में आज और कल तेज हवाएं चलेंगी। वहीं दिल्ली वालों को प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।